फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोवर एकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स के सपोर्ट मटेरियल के मॉडल टेस्ट पेपर 4 का सेक्शन बी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज 30 डिग्री। हमें सर्कल दिया हुआ है विद सेंटर ओ जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 30 डिग्री। तो हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी क्या हो जाएगा मेरा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 है एंड रेडियस मेरा 14 है, तो 14 इंटू 14 इसको सॉल्व करके आ गया 154/3 विच इज 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। अब मैं क्या करूंगी, ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी। अब यहाँ थीटा मेरा 30 डिग्री है, तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, जहां पे ए आपका ये होगा ओ ए एंड बी आपका हो जाएगा ओ बी। तो ये हो गया हाफ इंटू ओ ए क्या है मेरा 14 एंड ओ बी क्या है 14, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 इंटू साइन थीटा क्या है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हाफ इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूं, अगर पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर आया था मेरा 51.33 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल आया मेरा 49, दोनों को माइनस करके मेरे पास आ गया 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टैन ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री वेर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मुझे क्या गिवन है, टैन ऑफ 2a क्या है मेरा कॉट a माइनस 18 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे गिवन है कि ये जो मेरा एंगल है ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो टैन 2a मुझे गिवन है कॉट a माइनस 18 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और मैं क्या कह सकती हूँ, टैन 2a इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि 2a मेरा एक्यूट एंगल है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है। तो टैन 2a को मैं लिख सकती हूँ कॉट 90 माइनस 2a, इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही टैन 2a के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ जाएगा कि कॉट a माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस 2a। यहाँ से मेरे पास ये आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब 18 को मैं इधर ले जाती हूँ, 2a को इधर ले आती हूँ, तो 90 प्लस 18 क्या आ जाएगा a प्लस 2a, ए प्लस 2a हो गया 3a, तो 3a आ गया 90 प्लस 18 विच इज 108 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। हमें क्या फाइंड करना है कि 200 से 500 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं जो कि 8 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले अपने एपी फॉर्म कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा जो हमारा 8 से डिविजिबल होगा, 208 ऐसा नंबर है, 200 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा 208, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 216, ऐसे ही चलते रहेंगे। फिर लास्ट में हमारा 500 है, तो 500 तो 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम उल्टा चेक करते रहेंगे। तो 496 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल होता है, तो हमारी एपी क्या हो जाएगी 208, 216, सो ऑन अप टू 496। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी 208, कॉमन डिफरेंस मेरा 8 है क्योंकि मेरे को 8 के मल्टीपल्स चाहिए। और लास्ट टर्म मेरी क्या आई है 496, तो an क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 496 आ गया 208 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको इधर ले जाके माइनस करते हैं, तो 496 माइनस 208 आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 8, मेरा d क्या था 8, तो 288 क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 8, तो यहां से n माइनस 1 क्या आ गया 288 अपॉन में 8, तो n माइनस 1 आ गया 36, तो n क्या आ जाएगा 36 प्लस 1, ये 1 अदर चला जाएगा, तो n हो गया 36 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 37, तो n आ गया 37। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपकी बुक में गलत है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 21975 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें 21975 को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, तो इसको डिवाइड करना है, 5 से जाएगा ये आ गया 4395, फिर फर्दर ये 5 से जाएगा आ गया 879, अब ये 3 से जाएगा फिर आ जाएगा 293। अब 293 प्राइम नंबर है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता,
तो 21975 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 293, जहाँ पे हमने इसको प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, देन प्रूव दैट ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, मुझे क्या गिवन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मुझे सी गिवन है, और मुझे प्रूव करना है कि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या आ जाए, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये मुझे गिवन है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज सी, एंड मुझे प्रूव क्या करना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्योंकि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा सी है, तो स्क्वायरिंग दो साइड्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या करूं, सी स्क्वायर को इधर ले जाऊं एंड टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इधर ले आऊं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि सी स्क्वायर इधर जाके नेगेटिव हो गया एंड ये इधर आके नेगेटिव हो गया। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर वन। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा चाहिए था, तो मैं ये निकालती हूँ ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा। अब माइनस टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास है यहाँ से, तो यहाँ से फ्रॉम वन ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस सी स्क्वायर। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इन दोनों टर्म्स पे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस सी और माइनस सी स्क्वायर एज इट इज। तब ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। तो ए स्क्वायर इंटू वन आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन आ गया बी स्क्वायर और ये माइनस सी स्क्वायर। तो अब मेरे पास क्या था, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, सेक्शन सी अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।